कोटा नगर निगम का नांता स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में भरा हुआ कचरा एक बार फिर भभकने लगा है। नगर निगम के अग्निशमन दस्ते द्वारा पिछले एक महीने से लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आग बार बार लग रही है। आज भी ग्राउंड में जगह जगह कचरे के ढेर में सुलग रहे आग को बुझाने के लिए 4 दमकलों को मौके पर भेजा गया। दमकल कर्मियों के साथ निगम गोताखोरों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेसीबी की मदद से कचरे को फैलाकर आग को काबू करने का प्रयास किया गया। कोटा थर्मल में लगे हाइड्रेट से लगातार दमकल इन रिफिल कर आग बुझाने में जुटी हुई है। वे मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास के अनुसार आग को बुझाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये बार बार लग रही है। आग लगने के कारणों की जानकारी अधिकारियों को अवगत करवाया गया है और इसके स्थायी समाधान को लेकर भी चर्चा हो रही है। तीन खबरें थी हैं आग वाली। पिछले एक महीने से निरंतर अग्निशमन वाहन वहाँ पर आग बुझा रहे हैं, चाहे सब्जी मंडी अग्निशमन केंद्र से हो या श्रीनाथपुरम से हो, भामाशाह से, रानपुर से, कंटिन्यू आग बुझा रहे हैं। जैसे तापमान ज़्यादा हो रहा है और कुछ थोड़ी सी लापरवाही भी सामने आ रही है, हमने चेक करवाया, मैंने उच्च अधिकारियों को भी बताया है कि वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उनको भी बोला है कि नज़र रखें, कोई जानबूझ कर इंटेंशनल तो नहीं करें। तो तापमान बढ़ता है तो हर साल ही गर्मियों में ये आगजनी की घटनाएँ होती है। अभी हमने आज चारों फायर स्टेशन से 4 फायर टेंडर फायरमैन के साथ साथ पूरी गोताखोर टीम जो अभी फ्री है तो उनकी टीम को भी मैंने वहाँ लगा दिया है और हम कंटिन्यू वाटर स्प्रे कर रहे हैं और थर्मल पावर स्टेशन से प्लांट से पानी को रिफिल कर करके वहाँ डाल रहे हैं।